हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। अब हाल ही में आम आदमी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। इससे पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ा चुके हैं। ऐसे में उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी बात रखी। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगी उद्धव साहब को बनना चाहिए, तो सबके मन में। तो पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम है, 6 मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है देश चलाने की, वो हम काबिल हैं और कायम हैं, और जनता जो भी विश्वास हम पे देगी हम उस पे कायम रहेंगे। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई एकजुटता नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बयान दे रही है कि प्रधानमंत्री अगर होंगे तो केजरीवाल जी होंगे। टीएमसी कह रही है कि नहीं, प्रधानमंत्री होंगे तो ममता बैनर्जी होंगी। नीतीश कुमार जी के साथी कहते हैं कि उनमें ही सारी क्षमताएं और क्वालिटीज है प्रधानमंत्री बनने की। इसका मतलब साफ है, इस गठबंधन का लोगो तैयार है परंतु लोगों के लिए क्या करना है कुछ तैयार नहीं है। नारा तैयार है परंतु नारे के पीछे नीति क्या है वो कोई तैयारी नहीं है। झंडा तैयार है परंतु एजेंडा तैयार नहीं है, और केवल अपने करप्शन, कमीशन, फैमिली के प्रोफेशन और अपने अपने एम्बिशन को साधने के लिए ये एक माध्यम है, और इसीलिए सबके एम्बिशन सामने निकल कर आ रहे हैं मुंबई की मीटिंग से पहले। प्रियंका कक्कड़ का बयान जब तूल पकड़ने लगा तो आप पार्टी ने कहा कि प्रियंका कक्कड़ का बयान उनकी निजी राय है। प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश को बचाने की जरूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की मुंबई में ये तीसरी बैठक है जो 2 दिनों तक चलने वाली है।